मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने व्यंजन संधि की मां संबंधी नियम पढ़ा था और मैंने उसका आपको एक उदाहरण भी समझाया था। हम एक बार फिर रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मां शब्द यानी माँ जो अक्षर है उसके बाद में का से माँ तक कोई व्यंजन यदि आता है तो जो माँ है वो किस में चेंज हो जाता है, उस व्यंजन के पांचवें अक्षर में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, ये सम प्लस तोष। अब देखिए नियम क्या कह रहा है, यानी प्लस के पहले माँ आए तो देखिए हमारे में माँ आ रहा है, कैसा आ रहा है, हलंत के साथ, ये हलंत के साथ आ रहा है। अब इसमें क्या है, प्लस तोष, अब क्या बोल रहा है, का से माँ तक कोई व्यंजन, तो देखिए का से माँ तक, तो ये व्यंजन क्या है, ता ता, ये ता किसमें आता है, ता वर्ग में आता है। अब इसके पांचवे अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो माँ है इसमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी ना में, ता वर्ग का क्या है पांचवा अक्षर, ना, ठीक है। तो ये हमने सा लिखा और माँ किसमें चेंज हो गया, आधे ना में चेंज हो गया, और तोष है तो वो पूरा वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे। अब ये बराबर क्या बन गया, संतोष, है ना। तो ये अनुसार लगाने का भी ये नियम है कि यदि ये जैसे ता वर्ग का कोई अक्षर आता है, ये यदि आधा कोई अक्षर आता है और उसके बाद उसी वर्ग का कोई अक्षर आ गया तो ये क्या हो जाता है, ना को हटा दिया जाता है और उसमें बिंदी लगा दी जाती है। तो ये देखिए ता वर्ग का है और ता वर्ग का ना भी आता है, ये देखिए ता के पहले इसी वर्ग का आ गया ना, तो हमने ये ना हटा के क्या लिख देते हैं, बिंदी। हम इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मानक हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। वैसे आजकल आधा ना लिख ना लिख के उसका बिंदी का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए अब सेकंड नियम हम देखते हैं, क्या बताया है, सम प्लस जीवन। हमारा नियम क्या कहता है, हम नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। नियम क्या कहता है कि यानी प्लस के पहले, यानी कि जो पहला शब्द है उसका सबसे आखिरी वाला अक्षर, यानी कि प्लस के पहले क्या है, माँ आए और माँ कैसा आए, हलंत के साथ। देखिए बोल रहा है ये नियम, तो माँ आ रहा है हमारा और हलंत के साथ आ रहा है और प्लस क्या लिखा हमने, जीवन। अब क्या बोल रहा है, जीवन लिखा तो का से माँ तक कोई व्यंजन, ठीक है। तो का से माँ तक कौन सा व्यंजन आया है यहाँ पे, जा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जा किस वर्ग का है, तो देखिए जा किस वर्ग का है, चा वर्ग का, क्लियर, चा वर्ग का है ना। अब देखिए क्या हो गया कि इसमें ये जा वर्ग का है। अब क्या नियम बोल रहा है कि यदि का से मा तक कोई व्यंजन आए तो उस वर्ग के पांचवें अक्षर में ये माँ परिवर्तन हो जाता है। तो जा देखिए चा वर्ग का है और चा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, इया, है ना, ठीक है। तो ये इसमें परिवर्तन हो गया, ये इया में परिवर्तन हो गया, क्लियर। तो अब देखिए इया ये आधा ना के रूप में था, अब देखिए अब देखा लिखा और ये इया और जी व
अब फिर हम यही रूल फॉलो करेंगे, इसको ऐसा ना लिख के, आधा ना लिख के इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बिंदी। तो क्या हो गया ये, संज, है ना, निया का प्रयोग हो रहा ना, संजीवन, क्या हो गया, संजीवन। अब देखिए ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं, सम प्लस भाव। अब देखिए हमारा नियम क्या कह रहा है, आधा माँ आना चाहिए, क्रिया गया आधा माँ, हलंत के साथ होना चाहिए, हलंत के साथ हो गया, प्लस के पहले होना चाहिए, प्लस के पहले हो गया। अब क्या बोल रहा है, का से माँ तक कोई व्यंजन, तो का से माँ तक व्यंजन हो गया, क्या हो गया व्यंजन, भा, यहाँ देखिए भा हो गया। अब भा देखिए किस वर्ग में आता है, क्या बोल रहा है, नियम इज इक्वल टू माँ का उस व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन। तो जो आपका माँ है तो ये जो भा आया है तो ये माँ है, जो ये माँ है ना, माँ है तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये भा वर्ग के यानी पांचवें अक्षर। तो भा देखिए इस वर्ग में आ रहा, पा वर्ग में, और पा वर्ग का देखिए पांचवा अक्षर क्या है, माँ है, क्लियर, क्या है, पांचवा अक्षर माँ है। तो देखिए सम सा लिखा हमने और पांचवा अक्षर में परिवर्तन, तो ये पा वर्ग का है, पा वर्ग में पांचवा अक्षर क्या आ रहा है, माँ, तो ये देखिए आधे माँ में परिवर्तन हो गया। और ये हाँ टिक दिया हमने, और वाह हाँ। तो ये देखिए यहाँ भी वही नियम फॉलो करेंगे अपन, सा ऊपर बिंदी और था और वाह, तो क्या हो गया, संभव। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और आप भी इन नियमों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस, और इसको अपने क्लास वर्क कॉपी में ग्रामर वाले पोर्शन में